पश्चिम यूपी राजस्थान समेत कई क्षेत्रों में बुधवार को आए रेतीले तूफान का असर अब भी दिख रहा है। हालांकि देश भर में मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन तूफान बारिश और ओलावृष्टि से जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है। देश भर में कुल 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के 6 जिलों में 64 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, इनमें से 43 लोगों की मौत अकेले आगरा में हुई है। बताया जा रहा है कि तूफान से करीब 150 पशुओं की मौत भी हो गई है, साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। तूफान का राजस्थान पर भी काफी असर पड़ा है। तूफान और बवंडर से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और झुंझुनू जिले में बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से अब तक राज्य के अलग अलग इलाकों में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली गिरने की वजह से आंध्र प्रदेश में 14 और पश्चिम बंगाल में 8, साथ ही साथ उत्तराखंड में 2 और पंजाब के पटियाला में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बारिश के चलते उत्तराखंड में यात्रियों को केदारनाथ और सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई है। आगरा अकेले में तकरीबन 36 कन्फर्म डेथ्स हुए हैं। सहारनपुर में 2 डेथ्स हुए हैं। एक एक डेथ जो है बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जिलों में भी रिपोर्टेड है। हमारा जो रफ एस्टिमेशन है, जो अब तक लगभग सभी ज़िलों से जो फीडबैक मिला है, यह फिगर जो नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ्स की जो है वो करीब 40 से 50 के मध्य हो सकती है। कुछ एनिमल डेथ्स भी हुए हैं, उन सारी सूचना संकलित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और हमने यह सभी कलेक्टर साहबान, कमिश्नर साहबान से ये संदेश पहुंचाया है कि आगामी 24 घंटे के अंदर जितने भी लोग जो हताहत हुए हैं उन्हें जो रिलीफ जो है वो पहुंचाने का काम करें। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।